हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी एफ फिजिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह आप सबको पता है कि मंत्री जी का वेबिनार हुआ और नीट 20 और 21 के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ अच्छे संकेत दिए। सबसे अच्छा संकेत उन्होंने जो दिया वो सिलेबस से रिलेटेड दिया कि सिलेबस एक नए तरीके से रिड्यूज होगा। वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। सिलेबस रिड्यूज करने का मंत्री जी का तरीका ये रहेगा कि जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरनल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि जैसे आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपके सिलेबस के मान लीजिए दो पार्ट हैं, एक 70% सिलेबस जो अभी बचा हुआ है और एक 30% सिलेबस जो कि डिलीटेड सिलेबस है, जिसको डिलीट कर दिया गया। तो क्वेश्चन में जो इंटरनल चॉइस में रहेंगे उसमें दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। मान लीजिए जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये मान लीजिए सिलेबस 30% सिलेबस से है, इसके और में ओ आर अथवा में, जिसको अपन अथवा कहते हैं, और इंटरनल चॉइस, इसमें भी एक क्वेश्चन रहेगा, ये उस डिलीटेड 30% सिलेबस से रहेगा। तो ऐसे करीबन 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20% सिलेबस का ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप 70% सिलेबस पढ़ के पूरा 100% पेपर कर सकते हैं। ये वाले डिलीटेड सिलेबस वाले क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस आप समझ गए होंगे क्या मैंने कहा है। इंटरनल चॉइस सारे क्वेश्चंस में नहीं होगी, आप ध्यान रखें। जैसे 100 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन 30% सिलेबस से होगा और 70% से होगा इंटरनल चॉइस में। तो आप अगर 30% अकेला पढ़ के आएँ तो भी आप कर सकते हैं, और 70% पढ़ के आएँ तो आप 100% पेपर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पूरी चीज। फिर से 70% एक महत्वपूर्ण लाइन आप सुन लें कि आप 70% सिलेबस पढ़ के भी 100% पेपर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये रिवाइज सिलेबस आपके सामने CBSE बोर्ड का दिख रहा है। इस सब सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस, ये रिवाइज सिलेबस है आपके सामने, बचा हुआ सिलेबस, और ये डिलीटेड सिलेबस भी है। अगर आपको आपके पास लास्ट ईयर नीट का सिलेबस है तो उसमें से ये सिलेबस आपको हटा देना, ये सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। जैसे फिजिक्स का मैं आपको दिखाई देता हूँ, फिजिक्स का कौन कौन सा सिलेबस डिलीटेड है। ध्यान रखें, ये डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है, डिलीटेड सिलेबस है ये, डिलीटेड सिलेबस जो अलग कर दिया। जैसे ये बहुत फायदे का रहेगा आपको, रोटेशनल मोशन में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हटा दिए गए, ग्रेविटेशन में केपलर्स ला वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे सिलेबस जो है, जो अभी जो है, ये 11, 12 के सिलेबस में हटाए गए हैं। मंत्री जी ने हिंट दिया है कि ये ही सिलेबस, तो अभी आप जब तक फाइनल सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आपको ये डिलीटेड सिलेबस पक्का नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखें, डिलीटेड सिलेबस तब तक आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ये डिलीटेड सिलेबस पढ़ लेते हैं और ये सिलेबस नीट और JEE दोनों के एग्ज़ाम से कम कर दिया गया तो आपको बहुत इसमें दिक्कत होगी, बहुत दुख भी होगा। तो आप बिल्कुल अभी ये डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ें। ये डिलीटेड सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सारे सब्जेक्ट की, आप डाउनलोड कर लें और इसको अभी इस सिलेबस को होल्ड में रखें, ठीक है। जब फाइनल इसमें आ जाए सिलेबस तब इस सिलेबस को बाद में पढ़ सकते हैं। तो इस सारे सिलेबस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप चाहेंगे तो अलग अलग का वीडियो भी बना दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लें। और ये वाला सिलेबस अभी आप होल्ड में रखें, मेरी एडवाइस अभी नहीं पढ़ें जब तक फाइनल सिलेबस आ नहीं जाता है। ये वो वाला सिलेबस है जिसको CBSE बोर्ड ने 11, 12 के सिलेबस से डिलीट कर दिया है। और रिवाइज सिलेबस जो डिलीट करने के बाद वो है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि जो बचा हुआ, मतलब डिलीट करने के बाद जो बचा हुआ है वो भी, तो आप दोनों अच्छे से देख लें। और फिर उसके बाद आपके पास अगर नीट JEE का सिलेबस नहीं है तो वो भी मैं जल्दी ही आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।